नमस्ते दीदी। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आज? तो बच्चों, आज हम बात करेंगे खुशी और उदासी के बारे में। जैसे कि मान लो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आए हैं, तुम खुश होगे या उदास? खुश। अरे अनीता, तुम तो रो रही हो बेटा, क्या हुआ? अगर तुम्हें कोई भी बात सता रही है तो तुम मुझे बता सकती हो। अच्छा चलो, कोई बात नहीं अनीता, मुझे अकेले में बता दो। बच्चों, अब मैं एक बहुत ही जरूरी बात बताने वाली हूँ। हम बात करेंगे अपनी सुरक्षा के बारे में। हम सबको ध्यान से समझना होगा। हमारी दुनिया में तरह तरह के लोग रहते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। जो बुरे लोग होते हैं ना, उनकी नजर भी बुरी होती है। वो बच्चों को बुरी तरह से देखते हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव भी करते हैं, जिससे उन्हें नुकसान भी पहुंच सकता है। हमें ऐसे लोगों से बचने के लिए कुछ बातों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। ये है हमारा शरीर। हम सब अपने शरीर का ध्यान रखते हैं कि नहीं? हाँ। जब कोई हमें प्यार से छूता है तो हमें कैसा लगता है? हमें अच्छा लगता है। शाबाश। जैसे जब मम्मी पापा, नाना नानी या दादा दादी हमें प्यार से झप्पी देते हैं या हमारे सिर पर हाथ रखते हैं, इसे कहते हैं अच्छा स्पर्श, यानी कि अच्छा छूना। इससे हमें खुशी होती है। लेकिन कभी कभी कुछ बुरे लोग हमें लालच देते हैं और हमारे साथ गलत बर्ताव करते हैं, हमें गलत तरह से छूते हैं। ये बुरा स्पर्श यानी बुरा छूना होता है। हमारे शरीर के गुप्त अंग यानी वो हिस्से जिन्हें हम ढक कर रखते हैं, उन पर किसी को भी हाथ लगाने नहीं देना चाहिए, सिवाय मम्मी या पापा के, वो भी सिर्फ हमें साफ रखने के लिए। पर दीदी, हमें पता कैसे चलेगा कि स्पर्श अच्छा है या बुरा? ये बहुत अच्छा सवाल है। सुनो बच्चों, जब भी कोई हमें गलत तरीके से छूता है तो हमें गुस्सा, शर्म, चिढ़ या रोना आता है। अगर कोई भी हमें गलत तरीके या गलत जगह छूता है तो हमें उन्हें तुरंत रोक देना चाहिए और उनसे दूर रहना चाहिए। हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। और अगर वो बोले कि वो खेल सिर्फ हमारे बीच है और हमें मम्मी पापा को नहीं बताना चाहिए तो? बिल्कुल नहीं। अगर कोई भी तुम्हें मिठाई या खिलौने का लालच देकर तुम्हें खेलने के बहाने गलत तरीके से छूता है तो तुरंत मम्मी पापा या घर के किसी बड़े सदस्य को जाके बताओ। और हाँ, अगर कोई भी अनजान आदमी तुम्हें इस बहाने पास बुलाए कि मम्मी या पापा ने बुलाया है, तो गलती से भी उनके पास मत जाना। ऐसे लोगों को सजा हो जाती है? बिल्कुल होती है, उन्हें पुलिस पकड़कर जेल ले जाती है। बच्चों, अच्छा हुआ जो आप लोगों ने मुझे सारी बातें साफ साफ बता दी। अब चंदर भैया को कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन आगे से याद रखना, ऐसी बातें कभी नहीं छुपानी चाहिए। शाबाश, मुझे पता था तुम तीनों होशियार बच्चे हो।